उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता। जिस मुल्क की सरहद की निगहबान है आंखें, हर तरह के जज्बात का ऐलान है आंखें, हर तरह के जज्बात का ऐलान है आंखें। शबनम कभी शोला कभी तूफान है आंखें, शबनम कभी शोला कभी तूफान है आंखें। आंखों से बड़ी कोई तराजू नहीं होती, आंखों से बड़ी कोई तराजू नहीं होती। तुलता है बशर जिसमें वो मीजान है आंखें, तुलता है बशर जिसमें वो मीजान है आंखें। आंखें ही मिलाती हैं जमाने में दिलों को, आंखें ही मिलाती हैं जमाने में दिलों को। अनजान हैं हम तुम अगर अनजान हैं आंखें, हे अनजान हैं हम तुम अगर अनजान हैं आंखें। लब कुछ भी कहे उससे हकीकत नहीं खुलती, लब कुछ भी कहे उससे हकीकत नहीं खुलती। इंसान के सच झूठ की पहचान है आंखें, इंसान के सच झूठ की पहचान है आंखें। आंखें ना झुके तेरी किसी गैर के आगे, आंखें ना झुके तेरी किसी गैर के आगे। दुनिया में बड़ी चीज मेरी जान है आंखें, हाय दुनिया में बड़ी चीज मेरी जान है आंखें। मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता। जिस मुल्क की सरहद की निगहबान है आंखें, जिस मुल्क की सरहद की निगहबान है आंखें। दुश्मन मुल्कों का हाथ है। ये जरूर अशफाक भाई होंगे। जय हिंद मेजर साहब। जय हिंद। सलाम चाचा। खुश रहो बेटे, खुश रहो। ये मेरा लड़का है अकरम। मेजर चाचा को सलाम करो बेटे। अदावर से अंकल। जी तेरा बेटा। और ये सुनील है, मेजर साहब का लड़का। हेलो। यही कुवैत ब्रांड का मैनेजर है? हाँ मेजर साहब। भाई अशफाक, जब तुम मुझे मेजर साहब कहते हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं तो तुम्हारा वही बचपन का दोस्त दीवाना। नहीं भाई, जिस दिन नेताजी ने तुम्हें मेजर की टोपी पहनाई उस दिन से तुम हमेशा के लिए हमारे मेजर साहब हो गए। तब से तुम हमारे लीडर
और हम तुम्हारे सिपाही। क्यों भाई इस हफ्ते इसमें क्या शक है इश्फाक भैया? आइए बैठिए। दोस्तों, जो बात हम इतनी देर से हुकूमत से कहते चले आए, आज उसी बात को सरकार ने पब्लिक तौर पर मान लिया है कि हिंदुस्तान में दुश्मन मुल्कों के एजेंट जासूसी और तोड़फोड़ की कार्रवाई कर रहे हैं। दरअसल ये रेलगाड़ियां जो आसाम में उड़ाई गई, उनमें हमारी सरहदी फौजों के लिए राशन और हथियार जा रहा था, और ये जाहिर है कि दुश्मन हमारी सरहदी फौजों को कमजोर रखना चाहता है। साथियों, वक्त आ गया है कि हम अपने ग्रुप की तंजीम को एक नई शक्ल देकर इस बात का तहिया कर लें कि इसके बाद हम दुश्मन को इस तरह चोरी छुपी अपने देश की सिक्योरिटी पर हमला नहीं करने देंगे। मगर अंकल, इसमें हम लोगों को इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? ये काम सरकार का है, वो खुद इन बातों का इंतजाम कर लेगी। हम लोग व्यापारी हैं, हमें अपने धंधे से काम होना चाहिए। इन खतरे के कामों में पड़कर हमें क्या लेना है? बेटे, हम खतरे का काम क्यों करते हैं? हमारा ग्रुप क्या है? इसका जवाब तुम्हारे अब्बा जान दें तो अच्छा है। अकरम, मेरे अजीज, जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे बेटा, ये तब की बात है जिस दिन नेताजी ने अपने सिपाहियों को जय हिंद का नारा दिया था। उसी दिन मेजर साहब, सरदार ईश्वर सिंह और मैंने नेताजी के सामने खड़े होकर कसम खाई थी कि जंग का चाहे जो भी नतीजा हो, सियासत और पॉलिटिक्स की वजह से मुल्क चाहे किसी भी सूरत में हो, मगर हम आजाद हिंद फौजी जब तक जिंदा रहेंगे, अपने वतन को अपनी मां समझकर उसकी बेहतरी के लिए, उसकी हिफाजत के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देंगे। एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि जो काम हुकूमत का है उसे पब्लिक क्यों करे? उसमें हमारी क्या जिम्मेदारी है? बिल्कुल नहीं। आखिर गुंडों और बदमाशों को पकड़ना तो हुकूमत का काम। बिल्कुल ठीक। एक बात का जवाब दो, अगर कुछ गुंडे किसी की माँ को घेर लें, उस वक्त उसे पुलिस के आने का इंतजार करना चाहिए या अपनी माँ की हिफाजत खुद करनी चाहिए? जवाब दो। मेरे दोस्त, हिस्ट्री इस बात की गवाह है कि कोई हुकूमत, कोई फौज जनता की मदद के बगैर ना तो देश की हिफाजत कर सकती है और ना दुश्मन पर फतेह पा सकती है। और आज अगर दुश्मन जासूसी के मैदान में लड़ना चाहता है तो हम इस लड़ाई के लिए भी तैयार, और सरकार ने भी हमें यकीन दिलाया है कि वो इस काम में तमाम देशभक्तों को हर तरह की सहूलतें देगी। इसका एक फायदा यह भी है कि सरकारी अफसर तो हमेशा दुश्मन की नजर में रहते हैं, लेकिन हम लोगों पर ना कोई शक नहीं होगा। जैसे आज भी तुम्हारा बड़ा भाई सलीम, जिससे हमने सुनील के साथ जापान में जासूसी की खास तालीम दिलवाई, वो आज एक ऐसे जहाज पर सफर कर रहा जिसमें दुश्मन ने अपने जासूसों के लिए हथियार और अमुनेशन भेजा। मेजर साहब, क्या सलीम ने हथियारों की पेटियां पकड़ ली? नहीं, मगर आज सुबह उसे सिग्नल दिया है कि वो जहाज के उस गोदाम तक पहुंच चुका है जहां हथियारों की वो पेटियां हैं जिन्हें दुश्मन के एजेंट हिंदुस्तान में ला रहे हैं। जहाज कल हिंदुस्तान पहुंच जाएगा, लेकिन मुझे उम्मीद है सलीम उन पेटियों पर ऐसे निशान लगा देगा जिनसे सरकारी अफसरों ने पकड़ लेंगे। अभी खबर मिली है कि तुम्हारे जहाज पर हिंदुस्तान का एक जासूस तुम्हारा पीछा कर रहा है। उसका नाम सलीम है, रंग उसका गंदमी है, कद है उसका 5'7", उसकी आंखों का कलर है डार्क ब्राउन, और हमें खबर मिली है कि तुम्हारे सब सामान की तलाशी ले चुका है। व्हाट? वो आदमी आज शाम तक जिंदा नहीं रहेगा। नहीं, अभी उसे मारने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हिंदुस्तान के अफसरों को तुम्हारी खबर हो चुकी है, इसलिए तुम्हें कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। लेकिन डॉक्टर, अगर ये रिस्क न लिया तो हमारे सामान का क्या होगा?
कल तुम हिंदुस्तान की जल सीमा में पहुंच रहे हो। 21 नंबर के लाइट हाउस के पास आकर मोटी मोटी ट्यूबों से सामान बांध कर समंदर में फेंक दो, हमारी कश्तियां उसे उठा लेंगी। ओवर। ओके डॉक्टर, ओवर। पहले तो हमें ये देखना है कि ये आदमी है कौन। डॉक्टर साहब, मेरे भाई की जान को तो कोई खतरा नहीं। जब तक हमारे माल को खतरा ना हो, हमसे किसी को कोई खतरा नहीं हो सकता। ले ले। यस बॉस। हेलो। ओके बॉस। मालूम होता है लड़का अभी तक पूरी तरह तुम्हारे बस में नहीं है। नहीं बॉस, मेरे बस में है। तो फिर इसे अपने घर वालों से इतनी मोहब्बत क्यों है? ये कच्चा है। देखो, तुम इससे इतनी मोहब्बत करो कि अपना बुरा भला कुछ ना समझ सके। मैडम, इस लड़के को खर्च के लिए बहुत सा रुपया दे दिया करो। इसके अखराजात इतने बढ़ा दो कि इसे हर वक्त पैसे की जरूरत महसूस होती रहे। लिली ना हो तो और दो चार लड़कियां इसके रास्ते में डाल दो। ओके बस। पेटियां तलाश कर ली हैं जिनमें हथियार हैं, और सर मैंने उन पर सीक्रेट निशान भी लगा दिए। वेरी गुड, शाबाश। हेलो मेजर साहब, ऐसा मालूम होता है कि उन्हें मुझ पर शक हो गया है और वो मेरा पीछा कर रहे हैं, मगर आप फिक्र मत कीजिए, आई एम ऑन द अलर्ट। अगर उन्हें सचमुच तुम पर शक हो गया है तो यह भी हो सकता है कि कल वो यहां पहुंचने का इंतजार न करें, बल्कि सामान कहीं रास्ते में ही समुद्र में उतार दें। इसलिए रात भर तुम उन पर कड़ी नजर रखना, और सुनो, अगर कोई ऐसी बात देखो तो फौरन मुझे खबर देना ताकि मैं पुलिस को अलर्ट कर दूं। जी, ओवर। भैया ने बबलू को बिल्कुल सिपाही बना दिया। हाँ, यहाँ रहेगा तो मामा की तरह सिपाही बनेगा, नहीं तो बाप की तरह नोट गिनेगा। अच्छा ये बताओ, बबलू के डैडी को कुछ चिट्ठी आ रही कब है? आज ही आई थी, एक महीना और लगेगा। लगता है उनका इंग्लैंड में दिल लग गया। बोला जी, ड्राइवर साहब गाड़ी निकाले। आओ मेरे बबलू बाबू, आओ, तुम तो सिपाही हो गए। सुनील, मैं जरा पुलिस हेडक्वार्टर जा रहा हूँ, सलीम ने अपना काम कर लिया है। कर लिया? हाँ, और कल उनका जहाज पहुंचने वाला है। हाँ, आप कहाँ चले? मुझे एक जरूरी काम है। बैठिए, चलिए। सच मुझे एक जरूरी? मुझे भी जरूरी काम है। क्या काम है? आप अच्छी तरह जानते हैं। देखो भैया, अब तो बाबूजी भी घर में नहीं है। आज मुझे वो जापान वाली लड़की की कहानी सुना ही। तो तुम्हें कितनी दफा कहा है ये बात झूठ है, मुझे किसी लड़की से प्यार नहीं। मुझे सलीम भैया ने जापान से सब कुछ लिख दिया था कि वो लड़की तुम्हें बहुत प्यार करती थी। हाँ, वो लड़की मुझे प्यार करती है, पर मैं तो मगर तुम नहीं करते थे। हाँ कोई बात नहीं,
जिस लड़की ने मेरे भैया से प्यार किया था, मैं उस लड़की की कहानी सुनना चाहती हूँ। कहाँ मिली थी, कैसे मिली थी, क्या क्या बातें करती थी। प्लीज भैया, बहन की इतनी भी मिन्नत नहीं मानोगे। ठीक है सुनो, जूडो की ट्रेनिंग लेने के बाद मैंने सोचा जापान की सैर की जाए। सबसे पहले टोक्यो देखा, वहां के बाजारों में घूमा, बहुत खूबसूरत लगे वहां के बाजार। सुपर हाईवे की तस्वीरें ली, घूमते घूमते प्यास लगी, पानी पीने के लिए मैं एक मंदिर में चला गया। वहां पानी पीते पीते अचानक मेरी नजर एक जापानी लड़की पर पड़ी। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी, कुछ इस तरह मुस्कुराने लगी, मैं पानी पीना भूल गया और घबराकर वहां से भाग गया। उसके बाद मैंने जापान का टूर करने के लिए एक टूरिस्ट टिकट खरीदा। सुबह सुबह बस पर सवार होने के लिए पहुंचा तो देखता हूँ वो लड़की हमारे ग्रुप में भी शामिल है। अच्छा? और मुझे देखती फिर मुस्कुरा दी। और बस में बैठे बैठे मुड़ मुड़ कर मेरी तरफ ही देख रही थी। ट्रेन में सफर किया और फिर मुस्कुराने लगी। अब तो मेरा भी जी चाहने लगा कभी कभी नजर बचाकर उसे देखूं, मगर जब भी मैं उसकी तरफ देखता पहले से मेरी तरफ देख रही होती। बस सारे टूर में यही सिलसिला चलता रहा, वो मुस्कुराती रही, मैं झेपता रहा, वो मुस्कुराती रही। मालूम होता है तुम लड़की थे और वो लड़का। अच्छा भैया, पहले पहल उससे बात कब हुई? निको में एक झरने के करीब मैं कॉफी के लिए बैठा था, बड़ी जोर की सर्दी थी। कितनी खूबसूरत जगह है। जी हाँ, आप हिंदुस्तानी जानती हैं? जी। आप हिंदुस्तानी हैं? जी हाँ, आधी हिंदुस्तानी आधी जापानी। क्या मतलब? मेरी माँ जापानी थी और पिताजी हिंदुस्तानी। चलिए, बस वाले बुला रहे हैं, आइए। आप यहाँ? मेरा नाम आप नहीं, मीनाक्षी है, मीनाक्षी मेहता। कहिए मीनाक्षी मेहता जी, आप इस तरह मुंह फुलाए फुलाए क्यों फिर रहे हैं? मैं तो सीधी तरह बात कर रहा हूँ। मोहब्बत करने वाले को इस तरह ठंडी ठंडी बातें करते हैं? अजीब बात है, ना मैं आपको जानता हूँ ना आप मुझे, ये कैसी मोहब्बत है? मैं आपको अच्छी तरह जानती हूँ, आप मिस्टर सुनील हैं, आपके पिता आईने के एक्स मेजर हैं, जिन्होंने आपको यहाँ जूडो और किरात की तालीम के लिए भेजा है। आपकी सिर्फ एक बहन है जिसकी शादी हो चुकी है और आपकी अभी तक शादी नहीं हुई और कहीं बात भी नहीं हुई। बस ये सब बातें आपको कैसे पता चली? तुम्हारा पीछा करके। जिस दिन तुम्हें पहले पहल देखा तो दिल दे दिया, वहीं से तुम्हारा पीछा किया। हर रोज तुम्हें जूडो के स्कूल से आते जाते देखती रही, फिर उसी इलाके के डाकखाने में नौकरी कर ली, तुम्हारे नाम आने वाले तमाम खत पढ़ती रही। बस कितना आसान तरीका था। ये जासूसी आपको किसने सिखाई? मोहब्बत। अच्छा, तुम्हारे बारे में तो पता चल गया, अब मेरे बारे में सुन लो। मेरे पिताजी बिजनेस करने यहाँ आए थे, शादी करके यहीं रहने लगे, फिर मैं पैदा हो गई और मेरे पैदा होते ही दुनिया की लड़ाई छिड़ गई। आपके पैदा होते और हो भी कह सकता था। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस कॉम्प्लीमेंट। हाँ, तो उसके बाद नेताजी ने आजाद हिंद फौज बनाई, मेरे पिताजी की रगों में हिंदुस्तानी खून जोश मारने लगा और आजाद हिंद फौज के झंडे तले लड़ते हुए उन्होंने अपनी जान भी दे दी। एक सच्चे देशभक्त थे आपके पिताजी। जी, और इसीलिए हमें उनकी मौत का कभी गम नहीं हुआ, बल्कि हमें इस बात का फख्र है। उन्हीं दिनों पिताजी मुझे कभी भीख मांगने वाली, कभी सब्जी बेचने वाली गरीब लड़की बनाकर दुश्मनों की फौज में भेजा करते थे, ताकि उनकी ताकत का पता चलता रहे।
अब तुम ही बताओ, मैं अमेच्योर ही सही मगर मुझे जासूस मानते हो कि नहीं? जी हाँ, मैं आपको बहुत बड़ी जासूस मानता हूँ और सलाम करता हूँ। हम तुम्हारा सलाम कबूल करते हैं, तुम हमारी मोहब्बत कबूल करो। जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी मिलती है, जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी मिलती है, जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी होती है, दिलबरों की इनायत कभी कभी होती है, दिलबरों की इनायत कभी कभी। लाती है ऐसे मोड़ पे किस्मत कभी कभी, लाती है ऐसे मोड़ पे किस्मत कभी कभी मिलती है, जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। आएगी किसी की जरूरत कभी कभी, पेश आएगी किसी की जरूरत कभी कभी। मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। कभी कभी होती है, दिलबरों की इनायत कभी कभी। मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। मीनाक्षी देवी, मैं आपके जज्बे की कदर करता हूँ लेकिन मैं वो आदमी नहीं हूँ जिससे आपको मोहब्बत करनी चाहिए। क्यों? ये तो आप अच्छी तरह जानती हैं। जो रास्ता मैंने इख्तियार किया है उसमें जिंदगी का इतना भरोसा नहीं, मौत से ज्यादा यकीनी है। देखो, तुम उस मौत से डरते हो जो अभी तक सिर्फ तुम्हारे ख्याल में है, लेकिन मैंने ना तो मौत से डरना सीखा और न मौत के डर से मोहब्बत को ठुकराना। मेरी माँ कहा करती थी, जितना जिंदगी का भरोसा कम है उतनी ही जल्दी मोहब्बत कर लो, ताकि मरते वक्त ये गम तो ना हो
कि भगवान की इतनी बड़ी नेमत से हम महरूम रह गए। ये फिलॉसफी मरने वाले के लिए तो ठीक है, मोहब्बत का मजा उठाया और चल दिया, लेकिन अपने बाद दुनिया में जिसे तड़पने के लिए छोड़ दिया जाए, उसके लिए मोहब्बत एक सजा है, और ये सजा मैं किसी को नहीं देना चाहता। तो गोया तुम्हें मेरी खुशी का इतना ख्याल है कि अपने बाद भी मुझे गम नहीं देना चाहते। अपनी खुशी से ज्यादा दूसरे की खुशी का इतना ख्याल रखना, इसी का नाम मोहब्बत है। जब इतनी मोहब्बत करते हो तो इकरार क्यों नहीं करते? इतनी जल्दी इकरार नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर सकती हूँ। वो चली गई और मैं बहुत देर तक वहीं बैठा उस लड़की के बारे में सोचता रहा, जो आंधी की तरह आई थी और तूफान की तरह चली गई, लेकिन मेरे चारों तरफ प्यार के कितने ही फूल बिखेर गई। तुम शायद मेरी बात पर इतबार नहीं करोगे, मुझे पूरा यकीन है कि हमारा साथ आज का नहीं, कई जन्मों का है। तुम जाने कब से अपने फर्ज के रास्ते पर भागते चले जा रहे हो, और मैं तुम्हारे भागते कदमों के नीचे अपनी मोहब्बत के फूल बिखेरती चली आ रही हूँ। और मुझे ये भी यकीन है कि मेरी मौत से पहले एक दिन तुम इस मोहब्बत को अपने कदमों से उठाकर अपने सीने से टका लोगे। सायनारा, कदमों में रखे हुए फूल मैंने उठा लिए और दूर तक उसे जाते हुए देखता रहा, देखता रहा। मैं नहीं जानती थी भैया कि तुम इतने मुश्किल हो। हाँ, उसने सच ही कहा था, ऐसी मोहब्बत जिंदगी में कभी कभी मिलती है, मगर शायद तुम उसकी कदर नहीं कर सकते। कदर तो कर सकता हूँ, लेकिन शायद मोहब्बत ना कर सकूंगा। क्यों? क्योंकि जिंदगी के जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूँ, वहां मोहब्बत करने की फुर्सत बहुत कम है। अब देखो ना, बात तुमसे कर रहा हूँ, ध्यान सलीम की तरफ है, जो दुश्मनों में घिरा हुआ अकेला जहाज में सफर कर रहा है, न जाने कल तक क्या हो जाए। Cabin, there is danger.
हेलो, हेलो शेरे पंजाब, प्लीज स्पीक। शेरे पंजाब स्पीकिंग। हेलो हेलो मेजर साहब, मैं जी मैं सलीम बोल रहा हूँ जी। जी वो हेलो, तुम बोलते क्यों नहीं हो जी? हेलो 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 हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? आप कौन है? मैं शिप का कैप्टन बोल रहा हूँ। अभी अभी जो आदमी बातें कर रहे थे वो कहाँ गया? जिस आदमी के हाथ में रिसीवर था उसे किसी ने गोली मार दी। गोली मार दी? किसने? कैप्टन प्लीज टेल मी हाउसी, कैप्टन प्लीज टेल मी हाउसी। How is he, doctor? How is he? Please, please hold the line. Please hold the line. Please tell me how is he. मुझे अफसोस है. He is dead. डॉक्टर, एक इमरजेंसी केस है। अच्छा, तुम पेशेंट को ले चलो, मैं अभी आता हूँ। बी केयरफुल, आहिस्ता। Everything okay? Yes, sir. Please sit down. मैडम की असिस्टेंट है मिस लिली, आई। डबल एक्सा टाइगर को सिग्नल कर दो, कैप्टन हैज अराइव्ड। यस सर। आई, अब हम आपको बतलाते हैं कि हम लोग यहां क्या कर रहे हैं। ये बारूद के ड्रम्स हैं जो हिंदुस्तान में फसाद कराने के हमारे काम आते हैं। ये हैं बॉम्ब्स, पिन पॉइंट प्रिसिजन, हाईली एक्सप्लोसिव। कम ऑन, ये वो लाइट मशीन गन्स हैं जो आपने हमें भेजी हैं, हम इन्हें ये असेंबल करते हैं। लेथ पे देखिए वही काम चल रहा है। आइए, कम ऑन। सुरगो का जाल तो बहुत अच्छा बिछा रखा है, लेकिन इत्तेफाक से अगर दुश्मन ने घेर लिया तो सारे राज दुश्मन के हाथ एक साथ जा सकते हैं। इसका इंतजाम हमने कर रखा है कैप्टन। दिस वे प्लीज। यस।
हमने यहाँ सब सुरंगों में जगह जगह पर बम रखे हुए हैं जो एक ही स्विच दबाने से बारी बारी करके फट जाएंगे, सारा हेडक्वार्टर उड़ जाएगा और दुश्मन को सिवाय खंडरात के यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। दिस वे। कैप्टन, यहाँ एक सीक्रेट लाइट है, जो आदमी यहाँ से गुजरता है कैबिन उसे फौरन रिकॉर्ड कर लेता है। काम दिस वे। कैप्टन, ये है हमारा खुफिया रास्ता और ये है हमारे देखभाल की चौकी, अवर सेंट्रल ऑब्जर्वेशन पोस्ट। कम दिस वे प्लीज। इस चौकी पर बैठा हुआ सिपाही चारों तरफ देखता है, दुश्मन हम पर कभी भी अचानक हमला नहीं कर सकता। ये पत्थर तोड़ने की क्वेरी है, यहाँ से बहुत से खुफिया रास्ते हमारे तहखाने की तरफ जाते हैं। इस पहाड़ी के पीछे वो खैराती अस्पताल जहाँ से आप लाए गए हैं, और यहाँ से हम देख सकते हैं कि सारे शहर में क्या हो रहा है। वो बंदरगाह, हम हर आने जाने वाले जहाज पर पूरी पूरी नजर रख सकते हैं। वो है हवाई अड्डा, वहां से सिविल और मिलिट्री की जितनी भी फ्लाइट्स होती हैं हमें फौरन पता चल जाता है। वेरी गुड डॉक्टर, लेकिन देखना तो ये है इस वक्त हिंदुस्तान के पॉलिटिकल हालात क्या है। हालात दे आर वंडरफुल वंडरफुल। हिंदुस्तान को एजिटेशन का रोग लग चुका है, जगह जगह दंगे और फसाद की आग भड़क रही है। ऐसी आबो हवा में हमारे हथियार नहायत खूबी के साथ काम कर रहे हैं। जहाँ कोई एजिटेशन होती है हमारे आदमी लोगों में घुल मिलकर एक आध बम फेंक कर चले आते हैं। पुलिस अपनी जनता पर गोली चलाती है, पब्लिक भड़क उठती है और फिर अपनी सरकार और अपने लीडरों को ही गालियां देते हैं। कैप्टन, हालात तो इतने अच्छे हैं कि हम पूरी ट्रेन जला देते हैं तो अभी उसका इल्जाम पब्लिक के सर धरा जाता है, हमारी तरफ किसी का ख्याल तक नहीं जाता। कल तुम्हें बेरूत जाना होगा। बेरूत? सलीम ने मरने से पहले खुफिया रिपोर्ट भेजी थी, मैंने उसकी नकल सरकारी अफसरों को भेज दी, मगर उसके लिए हमें भी बहुत कुछ करना होगा। इस रिपोर्ट से साफ जाहिर होता है कि हमें मामूली स्मगलरों से मुकाबला नहीं करना, बल्कि बड़ी बड़ी ताकतें हैं जो हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी और प्रजातंत्र को खत्म करना चाहती है। उन्होंने हिंदुस्तान के इर्द गिर्द स्पैनिश का जाल फैला रखा है, जो हथियार हिंदुस्तान में आते हैं मालूम है किस मुल्क से आते हैं, मगर आते हैं तजारती पेटियों। तुम्हारा काम न सिर्फ उनके एजेंटों की तलाश करना है, बल्कि सबसे बड़ा काम यह पता करना है कि हिंदुस्तान में उनका सदर मुकाम कहाँ है, मुल्क के अंदर मुल्क के दुश्मन कौन है और किस रूप में रहते हैं। मगर बेरूत में हमारा कोई कॉन्टेक्ट है? हाँ है। ये मिस्टर नदीम मेरे दोस्त हैं, वहां के बहुत बड़े जासूस, और सिंगापुर से हमारे कुछ मेंबर पहले ही वहां पहुंच चुके हैं जो दुश्मनों में काम कर रहे हैं। ये लोग एक डांसिंग ट्रुप की शक्ल में हैं और ये लड़की उनकी लीडर है। ये लड़की कौन है? मेरे एक दोस्त की लड़की है जो बर्मा की लड़ाई में मेरे साथ थे। इस लड़की ने बचपन ही में जासूसी की ट्रेनिंग ली थी, और जानते हो जब तुम टोक्यो में थे तुम्हारी सब खबरें भेजा करती थी। मधु, डांस का वक्त हो गया है, अभी तक महमूद माइक लेकर नहीं आया। हम लोग आ गए। ये देखिए नया माइक बनवा कर लाया, इससे आप पब्लिक को अपनी आवाज भी सुना सकती हैं और पब्लिक की फोटो भी ले सकते हैं। ये रहा कैमरा, समझी? हाँ। लेकिन इसको इस्तेमाल ऐसे करिएगा जिसके भी फोटो निकालनी है ना तो ऐसे रखा सामने और ये प्रेस कर दिया। ओके। हाँ जरा देख लो बॉस। यहलो आलू आलू यह भी यह लो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, एवरीथिंग ओके? नो, दैट फ्रेंच गर्ल इज बैक एंड शी इज इन द क्लब। व्हाट? वो फ्रेंच लड़की फिर बेरूत में आ गई? Hmm.
जोर से राज जानना चाहती हैं। शो शुरू होने में कितनी देर? It's about to start, sir.
लुट जा, वो लुट जा, यही दिन है किसी पे लुट जा। तेरे सामने है प्यारे कई झूमते सहारे, छूट पाए तो हम उसे छूट जा। लुट जा, वो लुट जा, यही दिन है किसी पे लुट जा। तेरे सामने है प्यारे कई झूमते सहारे, छूट पाए तो हम उसे छूट जा। सर, अपने आदमी की लाश गायब कर दो और इसके लिए पुलिस को इत्तला कर दो कि न जाने किसने गोली मार दी। यस सर। आने में इतनी देर कर दी? एयर इंडिया के ऑफिस के बाहर एक दुश्मनों का आदमी खड़ा था जो हर आने जाने वाले को नोट कर रहा था, इसीलिए डाक कलेक्ट करने में लेट हो गया। ये एक ही लेटर है। मधु, वो डिबिया देना। थैंक यू। जल्दी से इनके दो स्लाइड बना के लाइए। चलिए प्रोजेक्टर फिक्स करें, देखें मैसेज क्या है। ओके। जरा लाइट ऑफ करो। कोड में है। कल सुबह के प्लेन से एक आदमी आ रहा है, पहचान के लिए तस्वीर साथ है। तो ये है उसकी तस्वीर, ये लीजिए लगाइए। अच्छी तरह पहचान लो, इसका नाम सुनील है। यह हिंदुस्तान का सरकारी जासूस नहीं है, मगर उससे भी ज्यादा खतरनाक दुश्मन है। यह वहां के चंद बेवकूफ वतन परस्तों के एक ऐसे ग्रुप का मेंबर है जो अपने वतन के लिए न जान देने से डरते हैं
न जान लेने से। ये वो खतरनाक लोग हैं जिन्हें न पैसे से खरीदा जा सकता है न गोली से डराया जा सकता है। इसलिए हमें पूरी होशियारी और सारी ताकत से इसके मुकाबले के लिए तैयार रहना चाहिए। ये आदमी आज ही हवाई जहाज से बेरूत पहुंच रहा है और तुम लोग साये की तरह इसका पीछा करोगे। और पहला मौका मिलते ही उसका खात्मा कर दिया जाए? नहीं, अभी सिर्फ पीछा किया जाए और हर वक्त हेडक्वार्टर को खबर देते रहो कि वो कहाँ है, क्या कर रहा है। अब तुम लोग जा सकते हो। यस सर। इंडिया में नेपोलियन को खबर दे दो कि सुनील के इस्तकबाल का सब इंतजाम हो चुका है। यस सर। दुश्मन को आते ही खत्म कर देने में क्या एतराज है? जब वो यहाँ आ ही रहा है तो उसकी मौत यकीन है, लेकिन उसे मारने से पहले हमें ये देखना है कि उसका यहाँ कोई और भी साथी है या नहीं। लेकिन आपको मालूम है वो सिर्फ मेरे भरोसे यहाँ आ रहा है? हो सकता है, लेकिन तुमको शायद ये नहीं मालूम कि इसका बाप हिंदुस्तान का बहुत बड़ा जासूस है जिसने वर्ल्ड वार में सुभाष बोस से तालीम ली। उसने जरूर अपने बेटे की मदद के लिए यहां कुछ लोग भिजवाए होंगे। इसलिए फिलहाल हमें यह देखना चाहिए कि वो यहां तुम्हारे अलावा और किस किस से मिलता है, कहां कहां जाता है, ताकि हम पूरे ग्रुप को एक साथ खत्म कर सकें। ये भी ठीक है। सुनील को तुम पर शक नहीं हो सकता। होटल में तुम दोनों के कमरे साथ साथ होंगे, इसलिए तुम्हें बहुत ही होशियारी से काम करना होगा। उसके कमरे में मैंने ऐसे खुफिया ट्रांसमीटर लगा रखे हैं कि अगर वो सांस भी लेगा तो मुझे सुनाई देगा। गुड। मिस्टर सुनील। मिस्टर नदीम। यस, वेलकम टू बेरूत, प्लीज कम। सर वो होटल पहुंच गया है। ओके। इसलिए मैं चाहता हूँ यहाँ के गलियों बाजारों से वाकिफ हो जाऊँ। जी हाँ, जरूर जाइए। और फिर आपके और भी तो साथी आए होंगे, मेरा मतलब है मिलना होगा उनसे। जी, मेरे साथी? मिस्टर नदीम, फिलहाल तो यहाँ पर आप ही मेरे दोस्त हैं, आप ही मेरे साथी, और आप ही के भरोसे यहाँ आया हूँ। सो नाइस ऑफ यू, आई एम ऑलवेज एट योर सर्विस। अच्छा, तो मैं अपने कमरे में चलता हूँ, किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे याद कर सकते हैं। क्या नंबर है आपका? इस दीवार के पीछे 213 नंबर। ओह, 230। अरे हाँ, कहीं भी जाना शाम को जरा जल्दी चले आना। क्यों, कोई खास बात? नहीं, बस इसी होटल की टेरेस पे एक छोटी सी पार्टी भी है। कुछ खास लोग आएंगे, बेरूत का हुस्न देखोगे, और वैसे आज मेरा बर्थडे भी है। विश यू हैप्पी बर्थडे मिस्टर नदीम। थैंक यू वेरी मच। ओके ओके।
काली गाड़ी पीछा करो। अब वो पैदल जा रहा है। होटल के अंदर चला गया। वहीं इंतजार करो। यस सर। तुम्हारी टोपी बहुत खूबसूरत है, कितने में खरीदी? 5 तुमान में हजूर। हमें दोगे? ये लो 10 तुमान, तुम एक और खरीद लेना। शुक्रिया। शुक्रिया। फोटो निकालना नहीं आता। व्हाट नॉनसेंस, ये फिल्म ठीक नहीं है, हमारा पैसा वापस दो। अच्छा बाबा ये लो, पर नेक्स्ट टाइम फोटो निकालना हो तो हमको साथ ले चलना। ओके ओके वी विल सी। क्या चाहिए आपको? मुझे एक फोटो खिंचवाना है जल्दी। आज मैंने और किसी दूसरे को टाइम देकर रखा है, आप कल आइए। मुझे बहुत जल्दी है, पासपोर्ट बनाना है। अच्छा अच्छा पासपोर्ट बनवाना है, आइए 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 ना। माफ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं, अगर आप बुरा न माने तो। कोड वर्ड चाहिए। टीपू सुल्तान।
से बात कीजिए ना, इस तरह क्या देख रही हूँ? मैं देख रही हूँ मोहब्बत में कितनी ताकत होती है। मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि मेरी मोहब्बत तुम्हें इतनी जल्दी फिर मेरे पास ले आएगी। शायद तुम्हें पता होगा मुझे मोहब्बत नहीं, मेरा काम यहाँ लाया। मोहब्बत लाई या काम लाया, मगर तुम मेरे पास तो आए। मगर आज मैं उस मीनाक्षी से मिलने आया हूँ जो हमारे ग्रुप की मेंबर है। प्यार की बातें कभी फुर्सत मिलेगी तो जरूर करेंगे। बहुत अच्छा, मगर एक छोटी सी बात का जवाब दोगी? क्या? जापान से आने के बाद कभी मेरी याद आई थी? हाँ, कई बार। थैंक यू। अब पूछो, काम की क्या बात पूछनी है? पहली बात तो ये कि तुम आराम से बैठ जाओ और बहुत सारी बातें करनी। ओके बॉस। ये तो मैं हूँ। दरवाजा खोलने से पहले हरी बत्ती का सिग्नल क्यों नहीं दिया? अभी गोली मार देती मैं। गलती हो गई, अभी जला के आता हूँ। गुड मॉर्निंग सर। आई एम सॉरी सर, मैं खुशी के मारे हरी बत्ती जलाना भूल गया था, वरना मैडम तो मेरी लाल बत्ती जला रही। अच्छा, पहले ये बताओ वो खुशखबरी क्या है? वो खुशखबरी ये है कि हमें दुश्मनों के हेडक्वार्टर का पता चल गया। सच? सच क्या? जिस दिन से मैंने जासूसी शुरू की है ना, उसी दिन से झूठ बोलना छोड़ दिया। अच्छा ये बताओ वहां तक पहुंचने का रास्ता क्या है? वहां तक तो नहीं, लेकिन उसके करीब पहुंच सकते हैं। मैं दूर से आपको जगह दिखा दूंगा, आप चले जाइए। अच्छा एक बात और, ये नदीम किस किस्म का आदमी? नदीम? अरे वो तो टैरिफ एक आदमी है। मन खूब मी शनासम पीराने पार सारा, दरिया दिखाया मीठा पानी पिलाए खा रहा, इशारों जैसा रहता, शादी नहीं की होटल में पड़ा रहता, लेकिन ईरान का एक नंबर जासूस है, एक गड़बड़ है। क्या इश्क बहुत जानता है? जासूस और इश्क वाकई बहुत बड़ी कमजोरी है, फंसेगा किसी दिन। इश्क किससे करता है? अल्जीरिया की कोई शहजादी है, पहले उसके साथ बहुत अलजबरा था, मगर आजकल आजकल अचानक मुझ पर बहुत मेहरबान है। क्लब में अक्सर आते हैं और आज शाम को जो पार्टी दी है उसमें मुझे खास तौर से बुलाया है गाने के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो दुश्मनों से मिल गया हो? बिल्कुल नहीं, मैंने यहाँ की सेंट्रल इंटेलिजेंस से उसका 20 साल का रिकॉर्ड चेक किया है। ये आदमी 100% काबिल-ए-एतबार है। हो सकता है, मगर मैं अभी एतबार नहीं कर सकता। तुम्हें दोस्तों पर मुश्किल से एतबार आता है। नहीं ये बात नहीं, मुझे जासूसी का पहला सबक सिखाया गया है कि किसी पर आंख बंद करके एतबार नहीं करना। और दूसरी बात ये कि मेरे यहाँ आने की खबर दुश्मन को हो चुकी है, जबकि तुम्हारे और नदीम के सिवा ये खबर किसी को मालूम नहीं थी, तो लीक किस तरह हुई? कौन गद्दार है? ये भी तो हो सकता है कि ये खबर हिंदुस्तान से लीक हुई हो। अरे मेजर साहब से बात करने का वक्त हो गया। हेलो हेलो हेलो, ताजमहल ताजमहल आंसर, ताजमहल आंसर, ताजमहल, हेलो हेलो। ताजमहल रिसीविंग, ओवर। ताजमहल को कोहिनूर का सलाम, ओवर। हेलो कोहिनूर, स्पीक, ओवर। थैंक यू सर, मुसाफिर हिफाजत से पहुंच गया है और हमसे मुलाकात हो गई है, ओवर। मुसाफिर से बात कराओ। ओके सर, ऑन टू मुसाफिर। ताजमहल को मुसाफिर का सलाम, ओवर। जीते रहो, काम शुरू हुआ, ओवर। यस सर, ऐसा लगता है दुश्मनों को मेरे यहाँ आने की खबर हो गई है, कहीं ये खबर वहाँ से तो लीक नहीं हुई, ओवर। हो सकता है, हमारे ग्रुप में कहीं गड़बड़ जरूर है। बहरहाल हमने जो तुम्हें अपना नया सीक्रेट वेवलेंथ दिया है उसी पर अपने तमाम मैसेज भेजा करो, समझे? ओवर। ओके सर, ओवर, ऑल ओवर। वो देखिए, वो गुम्बद के पास लाल मकान है ना, उसकी ऊपरी मंजिल पर।
कुछ लोग हैं वहां। कैमरा लाओ। आज इस महफिल को जला देने का इरादा है क्या? क्यों? क्या हुआ? ये लपटे मारता हुआ हुस्न, ये दहकते हुए होंठ और उस पे ये आतिशी लिबास, आग तो आपके आते ही लग चुकी। यहाँ पानी के फवारे भी तो हैं, आग बुझाई जा सकती है। वो तो बाहर की आग है, उसका क्या होगा जो अंदर से लग रही है। अब अच्छी शायरी कर लेते हैं। इनसे मिलो, ये है मेरे दोस्त सुनील और ये है मीनाक्षी। हेलो सुनील, आजकल इन्होंने सारे बेरूत वालों को लूट रखा है। ओह, मुझ पर रहम करिएगा, मैं परदेसी आदमी। आप काफी दिलचस्प आदमी हैं। कहाँ से आए हैं आप? जी मैं हिंदुस्तान से। ओह हिंदुस्तान, सुना है बड़ा खूबसूरत। एक्सक्यूज मी, मैं भी हाजिर हूँ। नदीम का ख्याल रखना, इस वक्त मौका है, मैं उसका कमरा देख रहा था। मिस्टर सुनील कहाँ है? ओ मिस्टर सुनील, यही कहीं किसी से बातें कर रहे होंगे। बैठिए ना, बैठिए। सच तो ये है, यहाँ से सिंगापुर जाने को मेरा जी नहीं करता। तो कौन जाने के लिए कह रहा है? लेकिन क्या करूँ, ग्रेट क्लब के साथ 15 दिन में मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। ओ, उसका इंतजाम मैं कर दूंगा, यू डोंट वरी। सुनील अभी तक नहीं आया, मैं जरा देखता हूँ। क्या वो बहुत इम्पोर्टेंट आदमी है? वो मेरा मेहमान है, मेरा अजीज दोस्त है। और हम आपके दुश्मन है क्या? ओ शहजादी साहिबा, आइए आइए, ज़हनसीब मिलिए, मीनाक्षी, शहजादी ज़ैनब। हेलो। हेलो नदीम साहब, आपके गाने की बहुत तारीफ करते हैं। जी ये तो इनकी इनायत है। अजी क्या गाती हैं आज, आप खुद सुन लीजिएगा। जरूर सुनेंगे। अच्छा मैं भी आता हूँ। सुनिए, आप जिनके लिए इतना परेशान होकर जा रहे हैं वो तो वो सामने खड़े बातें कर रहे हैं। ओ कौन है ये? ये है एक मेरे हिंदुस्तानी दोस्त मिस्टर सुनील। कितना हसीन जवान है, हमसे मुलाकात नहीं करवाइएगा? क्यों नहीं, अभी लेकर हाजिर हुआ। चेहरे से नजर हटाने को जी नहीं जाता। अरे जालिम, तुम कोई जादू जानते हो क्या? क्यों क्या हुआ? जिस पे सारी दुनिया मरती है वो तुम्हारी एक नजर पे मर मिटी। कौन है वो? वो सामने खड़ी है, शहजादी ज़ैनब उस्मान। ज़ैनब? मैंने सुना उसका कुछ आपके साथ। मैं तो क्या, उस पर सारी दुनिया मरती है लेकिन वो किसी किसी पे मरती है। आओ मिलवाएं। शहजादी साहिबा, ये है मेरे दोस्त सुनील, आज ही हिंदुस्तान से आए। हेलो,
आपको देख के बहुत खुशी हुई। शुक्रिया शहजादी साहब। मेरा नाम जैनब है जी। आइए ना कुछ ड्रिंक ले, आइए आइए ना। इसे कहते हैं पहली नजर का इश्क। जी सुना था, हाथ देख भी लिया। थैंक यू, मैं विस्की नहीं पीता। नहीं पीते? आप पीजिए ना। जब आंखों से पीने को मिल जाए तो फिर जाम की क्या जरूरत है। लो हम भी नहीं पीते। सॉफ्ट ड्रिंक जो आप पिला दें। टू कोक्स प्लीज।
मर जाए न हम ए जाने वफा ये जुल्म न कर गैरों पे करम अपनों पे सितम ए जाने वफा ये जुल्म न कर रहने दे अभी थोड़ा सा भरम ए जाने वफा ये जुल्म न कर ये जुल्म न कर। करम अपनों पे सितम। शहजादी बड़ी खूबसूरत लग रही थी, बातचीत चाल ढाल हर बात में चुस्त थी और देखने वालों की नजर उसी पर टिकी हुई थी। नजर तो उसी पर थी मगर कान गाने पर थे, बड़ा सुरीला गाना था, लग रहा था दिल से गाया जा रहा है। तुम्हें किसी की दिल की क्या परवाह। मीनाक्षी, हम यहाँ मिशन पर आए हैं, ना तो हमारे पास किसी से मोहब्बत का वक्त है और ना किसी की मोहब्बत पर जलने का वक्त। ये लेक्चर मैं कब तक सुनती रहूंगी? जब तक हमारा काम पूरा नहीं हो जाता। ये तस्वीरें सूख जाए तब नीचे ले आना, शायद इनसे कुछ सुराग मिल सके। ओके। जैनब और नदीम इनकी मीटिंग है? मुझे इस आदमी पर पहले ही शक था। ताज्जुब है, नदीम यहाँ का बहुत ईमानदार आदमी समझा जाता है, मगर ये अच्छा हुआ उसे आप लोगों के बारे में कुछ पता नहीं चला। देखो एक और तस्वीर मुझे उसकी फाइल से मिली है, ये जगह पहचानती हो? हाँ, ये तो कोहिनिदा का खंडर है। मैं यहाँ जाना चाहता हूँ। आगे देखता हूं। ये लो खाना। ये खाब देखना छोड़ दो मियां, यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा सकते। मुझे अभी मारना दो, मारना तो नहीं, मुझे मार दिख दो, इन बालों के चुप्पो में आग लगा दूँगा, इन नौजवान की पेटों को चला दूँगा, इसकी चीज़ बजा दूँगा।
याद रखो तुम्हारी कोई दाव कामयाब नहीं होगी, तुम सब कुत्ते की मौत मारे जाओगे, एक एक कुत्ते की मौत मारे जाओगे, सब मारे जाओगे। कौन हो तुम? मैं नदीम हूँ। वो कौन है? वो कौन? एक आदमी हूबहू तुम्हारी शक्ल का अपने आप को नदीम कहता है। तो फिर वो स्मगलर्स का आदमी होगा, असली नदीम मैं हूँ। मुझे लोगों ने हत्या करके रखा हुआ है। मुझे तुम्हें क्यों कैद किया है? इसलिए कि मैं इनका दुश्मन हूँ। ये गैर मुल्कों के एजेंट है, ये देखो इनमें बारूद है, ये देखो इनमें हथियार है, लेकिन ये वक्त यहाँ बातें करने का नहीं है। इनके आदमी चारों तरफ है, हमारी जान का खतरा है। मुझे आजाद करो, बाहर चलकर सब बातें बताऊंगा, जल्दी करो। जल्दी निकल जाओ। ठहरो, दुश्मन को तुम्हारे जिंदा रहने का पता नहीं चलना चाहिए। यकीनन हमारी चाल कामयाब रही होगी। वो लोग यही समझते होंगे कि हादसन खंडर में आग लग गई और बारूद की पेटियां फटने से उनके सब आदमी मारे गए। इस वक्त तुम उनके लिए मर चुके हो, इसलिए नकली नदीम को रास्ते से हटाकर तुम उनके गिरोह में शामिल हो जाओ और वो यही समझे कि तुम उन्हीं के आदमी हो। हमारे लिए सबसे बड़ा काम यह है कि किसी तरह हिंदुस्तान में इनके एजेंट्स का पता चल जाए। ठीक है, तो पहले उस नकली नदीम की गिरफ्तारी का इंतजाम होना चाहिए। हो चुका है। हो चुका है? कैसे? वो मीनाक्षी जानती है। आज शाम वो सैर के लिए मीनाक्षी के साथ बेलबेक जा रहा है। जी। आइए ना। जा रहे मुझे यहाँ कुछ डर सा लग रहा है। डर सा? हाँ। किस बात? ऐसा मालूम पड़ता है जैसे यहाँ रोमनों की रूहें घूम रही है। रोमनों की रूहें? हाँ। मेरे होते हुए तुम्हें किसी चीज से नहीं डरना चाहिए। देखा? कुछ नहीं बस ऐसे ही है। देखो ये जो पिलर देख रही हो ना, ये दुनिया का सबसे मशहूर पिलर है और इसे मीनाक्षी
के लिए ऊपर वाले ने आपको नीचे भेजा। ऐ नदीम वल इस्माइल मेमन, ऊपर वाले के हुक्म से आज 16:20 पर तुम्हारी रूह निकाली जाए, लेकिन तुम्हारे मुंह से नहीं, कान से। लेकिन मैं नदीम नहीं हूँ, मेरा नाम यूसुफ है। यूसुफ तुम फरिश्तों को धोखा देना चाहते हो, लेकिन याद रखो हमने आसमानी एल्बम में तुम्हारी फोटो देखी है। वो प्रिंट भी मैंने निकाली है। लेकिन जो फोटो आपने देखी है वो नदीम कोई और है। मैं यूसुफ हूँ, मेरी शक्ल जरूर से मिलती जुलती है। मिस्टर यूसुफ, ऊपर वाले ने आज तक एक शक्ल के दो आदमी कभी नहीं बनाए। ठीक कहते हैं आप, मेरी असली शक्ल नहीं है, मेरी नकली है। तो तुम्हारी असली क्या है, फौरन दिखाओ, वरना 10 सेकंड में तुम्हारी रूह निकाल दी जाएगी। दिखा, देखिए, दिखा, देखिए, ये चमड़ा क्या निकाल रहे हो? मैं यूसुफ। तो यूसुफ भाई हाथ ऊपर, हम भी फरिश्ते नहीं, इंसान है। बहुत देर हो गई, न जाने वो लोग कामयाब हुए या नहीं। तुम हमारे ग्रुप को नहीं जानते नदीम, वो कभी नाकाम नहीं लौटते। क्या हुआ? विक्ट्री। कुछ पता चला वो कौन है? इसका तो पता नहीं चला, मगर तुम्हारा चेहरा जो उसने चुराया था। क्या परफेक्ट मास्क बनाया है? परफेक्ट, इतना परफेक्ट कि नकली नदीम भी असली दिखाई देता था। और अब असली नदीम के नकली बनने का वक्त आ गया है, ताकि दुश्मन को उसके अपने हथियार से ही मारा जाए। मिस्टर नदीम, यू शुड स्टार्ट वर्किंग नाउ। क्या कहते हो, वहां कुछ भी नहीं बचा? जी नहीं, ऐसा मालूम होता है आग की कोई ऐसी चिंगारी लगी जिससे बारूद के सारे ड्रम फट गए और जिसके धमाके से सारा खंडहर उड़ गया। ओह, ये कोई और बात, मैं डर गया, शायद पुलिस को पता न चल गया। सर, मिस्टर नदीम ऑन द वे। ओके। तुम लोग जा सकते हो। कहां गए थे? बालबक तक गया था। जानते हो कोहे निदा का सारा जखीरा एक्सप्लोड हो गया? जी, और इसकी वजह तुम हो। ये तुम्हारी लापरवाही की वजह से हुआ। मैंने तुम्हें कई बार कहा कि ना तो तुम खुद सिगरेट पिया करो, ना किसी दूसरे को उसके पास सिगरेट पीने दिया करो। जरूर किसी ने लापरवाही की है और जलती हुई सिगरेट वहां फेंक दी, और एक ही धमाके में हमारे करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। तो फिर उस नदीम का क्या हुआ? वहां जितने लोग थे किसी का नामो निशान नहीं रहा। तो इसका मतलब है अब मुझे जिंदगी भर ही मास्क ओढ़ना पड़ेगा? नहीं, सिर्फ उस वक्त तक जब तक सुनील खत्म नहीं हो जाता। मगर बड़े शर्म की बात है कि वो एक छलावे की तरह हम सबको धोखा देके निकल जाता है और हम कुछ नहीं कर सकते। और तुम इतला लाते हो तो सिर्फ ये कि वो त्रिबलस के पुल के उस पार कहीं जाता है, कुछ करता है। यूसुफ, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम अपने आदमी लेकर त्रिबलस के पुल के उस पार जाओ, चप्पे चप्पे पे अपने आदमी तैनात कर दो और पता करो कि वो कहां जाता है और क्या करता है। सारे ग्रह का पता करो जल्दी। जनाब। यस बॉस। अगर 2-3 दिन में ये कुछ नहीं करता तो फिर तुम्हें अपना काम शुरू करना होगा। यस बॉस। सर, हिंदुस्तान से नेपोलियन सिग्नल दे रहा है। ओके। हेलो हेलो हेलो, अफ्रीकन टाइगर कॉलिंग। अफ्रीकन टाइगर हियर। यस टाइगर, हमारा सामान भेजने में इतनी देर क्यों कर दी? ओवर। मैं आपको पहले ही कह चुका हूं कि यूरोप के सब मुल्कों के अंदर माल की बहुत जांच पड़ताल होने लगी है। आप नेशनल हेडक्वार्टर को यह मशवरा क्यों नहीं देते कि वो यूरोप और मिडिल ईस्ट का रास्ता ही छोड़ दें और सारा माल ईस्ट के रास्ते भेजे? ठीक है, मैंने उन्हें सजेशन दे दी है, वहां से भी इंस्ट्रक्शन नहीं आई। यहाँ हिंदुस्तान में पिछले 15 दिनों से कोई फसाद नहीं हुआ, यह हमारे लिए बहुत बुरी बात है। हम यहाँ एक मजहबी फसाद खड़ा करना चाहते हैं, उसके लिए हमें हथियारों की जरूरत है। जी, मैं आज ही 2 कंसाइनमेंट भेज रहा हूँ। हाँ,
जिसमें आर्मर्ड कार्स और टैंक के पार्ट होंगे, आप उन्हें वहां जोड़ सकते हैं। कल 002 आवर्स कोचीन से 20 मील दूर 20 डिग्री नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट 3 बोट्स। ये बहुत अहम खबर है, मैं अभी पिताजी को जाकर मैसेज देता हूँ। मगर नदीम भाई ये भी तो कह रहे हैं कि दुश्मन के आदमी हमारे अड्डे के चारों तरफ फैले हुए हैं, आज वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। कुछ भी हो मीनाक्षी, ये खबर हिंदुस्तान पहुंचनी चाहिए, नहीं तो ना जाने कितने हथियार हिंदुस्तान दुश्मनों के पास पहुंच जाएंगे। और अगर तुम पकड़े गए तो मीनाक्षी जानती है मुझे ढूंढने के लिए ये मीटर काम आएगा। देखो मिस्टर नदीम, मैं जहां भी रहूंगा 5 मील की रेंज तक ये सुई मेरी तरफ पॉइंट करती रहेगी। तो ट्रांसमीटर छुपा रखा है, लेकिन दुश्मन इतने बेवकूफ नहीं, उन्हें इसका पता चल जाएगा। मिस्टर नदीम, जहां ये ट्रांसमीटर है दुश्मन को कभी पता नहीं चल सकता। एक छोटा सा ट्रांसमीटर ऑपरेशन करके मेरी लेफ्ट आर्म के अंदर छुपाया गया है, जिसकी वेव्स ये मीटर कैच करता है। लेकिन इसका क्या यकीन है कि दुश्मन तुम्हें जिंदा भी रहने देंगे? मीनाक्षी, जिस रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं वहां मौत से डरा नहीं करते। कौन हो तुम? कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? बोलो। अरे अरे, यहाँ कहाँ घुस रहे हो? फेरो उधर ही। अरे ये फोटो की दुकान है, यतीम खाना नहीं है। टीपू सुल्तान। यस सर। बी केयरफुल, दुश्मन मेरे पीछे ना आए। ओके सर। हेलो शेरे पंजाब, शेरे पंजाब, शेरे पंजाब, हेलो हेलो शेरे पंजाब, शेरे पंजाब स्पीक। क्या चाहिए आपको? फकीर कहाँ है? फकीर कहाँ का फकीर? कौन सा फकीर भाई? मैं दानी आदमी हूँ, यहाँ तो रोज सैकड़ों फकीर आते हैं। वो धुएं वाला फकीर? धुएं वाला फकीर? वो अंदर आया, बाहर नहीं गया। अरे यहाँ तो कोई आया ही नहीं, मैं पिस्तौल क्यों निकाल रहा हूँ? मैं गरीब आदमी हूँ। अरे ये क्या कर रहे हो? कल रात के 2 बजे कोचीन से 20 मील नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट 20 डिग्री दुश्मन की कश्तियां आर्म्स एंड एम्युनिशन डिलीवर कर रही हैं। गुड इंफॉर्मेशन नोटेड, वी विल डू द नीडफुल। ये क्या है? ये ठहरिए ठहरिए, मेरा इंदर के कीमत है, उसको हाथ मत लगा। शट अप। ठीक ठीक बताओ, यहाँ कोई चोर रास्ता है? कोई छुपने की जगह है? ऑल ओवर, ऑल ओवर। Thank you.
गवर्नमेंट इज वेरी थैंकफुल टू यू। उन लोगों ने हमारा माल पकड़ लिया, वो लोग इतनी बड़ी चाल चल गए, उसके लिए उन्होंने कितनी तैयारी की होगी तुम्हें इसकी खबर तक नहीं। मैं सच कहता हूँ, मुझे बिल्कुल पता नहीं। ये मत भूलो कि तुम अगर हमें छोड़ना चाहोगे तो तुम्हारी जिंदगी में भूख और वीराने की सिवाय कुछ नहीं रहेगा। लिली तुमसे मिलना जुलना बंद कर देगी, मैडम तुम्हें खर्च के लिए एक पैसा नहीं देगी, और तुम्हारे बाप से बतला दिया जाएगा कि अपने भाई की मौत के जिम्मेदार तुम हो, तुम। मगर मैं क्या कर सकता हूँ, सलीम भाई की मौत के बाद मेजर साहब किसी पर एतबार नहीं करते, वो सारा काम खुफिया तौर पर अपने कमरे में करते हैं, वहीं पर उन्होंने अपना ट्रांसमीटर भी लगा रखा है। तो इसका मतलब यह है कि अब हमें मेजर घर में किसी को रखना होगा, मगर कैसे? मेजर की लड़की आज तो यही है, उसके बच्चे की सालगिरह आने वाली है, तो सालगिरह की पार्टी के दिन खाने पीने का इंतजाम तुम अपने जिम्मे ले लो, बाकी मैं सब देख लूंगा। ज्यादा होगी। अरे बुद्धू, जितनी उम्र होती है उतनी मोमबत्तियाँ लगाते हैं, मेरा बबलू तो सिर्फ 4 साल का है। बीबी जी, कोल्ड ड्रिंक खत्म हो गए हैं तो और लिया। लेकिन बीबी जी, खाली बोतलें देंगे तो भरी हुई बोतलें देंगे ना? खाली बोतलें बोरी में भर के ले जाओ और ले आओ। तो सरकार अपने नौकर से कह दीजिए हमें खाली बोतलें और बोरी दे दे। जाओ घोड़ा से कह दो, मैंने कहा जल्दी जाओ। बस बस। अरे बबलू बेटा, क्या हुआ? मैं टोपी लगा। चलो मैं तुम्हें तुम्हारी टोपी देता हूँ। हाँ माँ के पास चलता हूँ। चलो। अरे चुप। संभाल के हाँ? आओ। ओहो आनंद, क्या रहे हो? आया। बस, अब तुम मुझे देखो और तुम मैं सीधी काम करते हो। तुम तो देखो। संभाल के लाना। यार क्यों, कैसा लगा? क्यों नहीं भाई, ननिहाल में सालगिरह मनाई जा रही है। अच्छा ये केक तुमने बनाया है ना? नहीं, अच्छा है ना? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बाबूजी, मैं बबलू को बुला के लाती हूँ। अरे हाँ, जल्दी बुलाओ, जल्दी बुलाओ। वाह क्या केक। अभी तक तुम खाली बोतलें नहीं ले गए, वहाँ मेहमान ड्रिंक्स मांग रहे हैं। बीबी अभी जा रहा हूँ, अभी आता हूँ। चलो चलो जाओ, जल्दी करो, जल्दी लेके आना। अरे मेजर साहब, बुलाओ बबलू को, केक पे कटवाएं, देर हो रही। बोला बबलू कहा, बुलाओ केक कटवाएं। बबलू, बबलू ना जाने कहां चला गया। हाँ
बाबूजी बबलू नहीं मिल रहा है। अरे यही कहीं बच्चों में होगा। मैं ढूंढ चुकी, कहीं भी नहीं मिल रहा। बबलू 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 बहन, तुमने मेरे बबलू को देखा? नहीं तो यही कहीं खेल रहा होगा। ओह बच्चों, तुमने बबलू को देखा? नहीं, आपने मेरे बबलू को देखा? नहीं तो क्यों, क्या हुआ? अरे बच्चों, तुमने कहीं बबलू को देखा? बबलू बबलू बेटा बबलू, आपने बबलू को देखा? तुम कहाँ हो? हाय ईश्वर, न यहाँ है न वहाँ। कुछ पता चला? नहीं पिताजी। क्या कहती है? कहीं नहीं। बबलू बबलू मेरा बच्चा, बबलू 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 बबलू। मेरी सुन ले अरज बनवारी, मेरी सुन ले अरज बनवारी, तेरे द्वार खड़ी दुखियारी, तेरे द्वार खड़ी दुखियारी, मेरी सुन ले अरज बनवारी, मेरी सुन ले अरज बनवारी, तेरे द्वार खड़ी दुखियारी, तेरे द्वार खड़ी दुखियारी। पार न सूझे, पार न सूझे, अब कोई दूजा पार न सूझे, पार न सूझे, अब कोई दूजा द्वार न सूझे, कौन ठिकाने जाऊं प्रभु में छोड़ के शरण तिहारी, छोड़ के शरण तिहारी, तेरे द्वार खड़ी दुखियारी, तेरे द्वार खड़ी दुखियारी। छिन गया मेरी आस का मोती, खो गई इन नैनन की ज्योति, छिन गया मेरी आस का मोती, खो गई इन नैनन की ज्योति, तेरे जगत में भटक रही हूँ मैं ममता की मारी, मैं ममता की मारी, तेरे द्वार खड़ी दुखिया, तेरे द्वार खड़ी दुखियारी, मेरी सुन ले अरज बनवारी, मेरी सुन ले अरज बनवारी, तेरे द्वार खड़ी दुखियारी, तेरे द्वार खड़ी दुखियारी। सुना है तुम्हारा बच्चा खो गया है? हाँ। अगर कोई तुम्हें अपने बच्चे से मिला दे तो? जो कहे मैं वो दूंगी,
तुम्हें मालूम है मेरा बच्चा कहाँ है? नहीं, मैं तो नहीं जानती, वो जो बाबा बैठे ना वो जानते हैं तुम्हारा बच्चा कहाँ। अच्छा, ठहरो, एक शर्त है। क्या? चुपचाप चलना होगा, अगर शोर मचाया तो बच्चा नहीं मिलेगा। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल शोर नहीं मचाऊंगी, मैं चुपचाप चलूंगी। मुझे मेरे बच्चे से मिला दो, मुझे मेरे बच्चे से मिला दो। बाबा, आप जानते हैं मेरा बच्चा कहाँ है? बाबा सब कुछ जानते हैं। तो मुझे मेरे बच्चे से मिला दीजिए बाबा, मुझे मेरे बच्चे से मिला दीजिए। जरूर मिला देंगे, लेकिन तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। कहाँ? ये अभी हम नहीं बता सकते। नहीं नहीं, ये कहीं धोखा तो नहीं? बाबा, आप सचमुच मेरे बच्चे से मुझे मिला देंगे? तुम्हें यकीन नहीं आता? ये देखो अपने बच्चे की निशानी। चलो। अभी दिखाते हैं, लेकिन इससे पहले मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं कोई बात नहीं सुनना चाहती, मुझे मेरा बच्चा चाहिए, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। ठीक है कैप्टन, इसे पहले इसका बच्चा दिखा दो। वो देखो। तुम्हारी आवाज वहां तक नहीं पहुंच सकती। मैं तुमसे दया की भीख मांगती हूँ, मुझे मेरे बच्चे से मिलने दो, मुझे मेरे बच्चे से मिलने दो। भीख मांगने की जरूरत नहीं है, मेरी बात मानने की जरूरत है। मैं तुमसे एक सौदा करना चाहता हूं। तुम्हारा बेटा तुम्हें सही सलामत मिल जाएगा, लेकिन एक महीने के बाद, बशर्ते कि उस एक महीने में तुम हमारा काम करती रहो। कैसा काम? बहुत मामूली काम है। तुम्हारे पति की एक बूढ़ी मौसी है ना, वो कई वर्षों से बनारस में रहती है ना। हाँ। तुम्हारे पिता ने उसे कभी नहीं देखा? नहीं। ठीक है, हमारी ये मैडम तुम्हारे घर आएंगी, तुम्हें अपने पिताजी को ये विश्वास दिलाना होगा कि यही तुम्हारे पति की मौसी हैं। बच्चे के गुम हो जाने की खबर अखबार में पढ़कर नहायत परेशानी के मारे यहाँ आई हैं। ये तुम्हारे कमरे में रहेंगी और ये जो कुछ भी करना चाहेंगी तुम्हें इनकी मदद करना होगी। याद रखो, जब तक चुपचाप ये तुम सब कुछ करती रहोगी, तुम्हारा बच्चा यहाँ नहायत आराम और हिफाजत के साथ रहेगा। सिर्फ एक महीने की बात है, तुम्हारा बच्चा तुम्हें मिल जाएगा, मौसी वापस चली जाएगी। बोलो, मंजूर है कि नहीं? बोलते क्यों नहीं, मंजूर है क्यों नहीं? तुम लोग चाहते हो मैं अपने पिता और भाई के खिलाफ तुम्हारी मदद करूं? तुम ये समझते हो कि ऐसा जलील काम एक बेटी भी कर सकती है? नहीं कर सकती, एक बेटी नहीं कर सकती, लेकिन एक माँ जरूर कर सकती है। वो माँ जिसे अपने बच्चे की जिंदगी प्यारी हो, वो ये काम जरूर कर सकती है। नहीं कर सकती। अकरम, अकरम भैया, स्विच दबाओ। बोलो, मंजूर है? नहीं, मंजूर है? नहीं, मुझे मंजूर है, सब कुछ मंजूर है। सुनी, उठो, बहुत जरूरी बात है, प्लीज उठो। सुनी,
शहजादी साहबा, मैं इतना लापरवाह नहीं कि सोते में आकर मुझे गोली मार दे। लेकिन मैं तुम्हें मारने नहीं आई थी, मेरे यकीन करो। जाहिर है, मारने वाले सोतों को जगाया नहीं करते, थाएं से गोली मार देते। लेकिन मैं इस बात पर हैरान हूँ कि सैयद के ग्रुप की वो लड़की जिसकी ड्यूटी मुझे मोहब्बत के जाल में फांस कर गोली मारना है, अचानक मुझ पे इतनी मेहरबान क्यों है। गोली चलाना हमारे लिए मुश्किल काम नहीं सुने। मैंने जिंदगी में कई बार मौत का ये खेल खेला, मगर जिंदगी में पहली बार मुझ पर उस जज्बे का असर हुआ है जिसे मोहब्बत कहते हैं। और मुझे पता चला कि मोहब्बत मुझ जैसी बुरी औरत को भी इंसानियत सिखा सकती है। मैं तुमसे मोहब्बत का बदला नहीं मांगने आई, सिर्फ इतना कहने आई हूँ कि ये लोग तुम्हें जान से मार डालेंगे, तुम कल ही वापस चले जाओ। मशवरे का शुक्रिया जनाब, लेकिन मैं मौत के डर से अपना काम अधूरा छोड़कर जाने वाला नहीं। मैं ये जानती थी। अच्छा, कोई ऐसा काम है जो मैं कर सकती है? क्या? मुझे हिंदुस्तान में तुम्हारे आदमियों का एड्रेस चाहिए। वहाँ कौन कौन लोग हैं, उनका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये काम कर सकोगी? अच्छा, अगर मैं ये काम कर दूँ तो तुम वादा करते हो कि वापस चले जाओगे? सुनिए, मैंने बहुत सी जानें ली हैं, सिर्फ एक जान बचाना चाहती हूँ, मुझसे वादा करो। अच्छा, वादा करता हूँ। तो ठीक है, रोज सुबह अलहमरा बिल्डिंग की सातवीं मंजिल को देखते रहो। जिस दिन बालकनी में लाल कपड़ा देखो, समझ लेना मैंने सईद के कागजात चुरा लिए। और उसी दिन शाम 4 बजे मुझे बंदरगाह पर मिलना। और सुनो, औरत जब कहे मैं मोहब्बत करती हूँ तो उस पर शक न करना। कह रहे हैं आराम कर ले। अरे आराम तो उस दिन से नहीं किया जब से किसी ने अखबार में खबर पढ़कर सुनाई। आराम तो तुमको सुझाई देता है, हमारे नसीब में आराम कहाँ। हमारे तो खानदान का आपने दीपक बुझा दिया। क्या करता है? मेरे कपड़ों को मर्द हाथ नहीं लगाते। अरे खड़ी मुंह क्या देख रही है, उठा उठा मेरे कपड़े। चल बता तेरा कमरा कहाँ है, उसमें कहीं मेरे ठाकुर जी की पूजा की जगह भी है या सारा फैशन ही फैशन भरा है? आप मेरे साथ आइए, मेरी एक हाथ जोड़कर आपसे विनती है कि अभी शंभुनाथ इस बात की आप खबर मत कीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है हमारा बबलू बहुत जल्दी मिल जाएगा, वो विलायत में काम खा परेशान। अब उसकी परेशानी से डरते हो? पहले तो उसके बेटे की हिफाजत नहीं की, पर उस अभागे को खबर भी कैसे दूं? वो तो ये बात सुनते ही मर जाएगा। आप फिक्र न कीजिए, पुलिस पूरा जोर लगा रही है। अरे पुलिस क्या करेगी, अब तो मैं आ गई हूँ, अपने ठाकुर जी के 10 लाख जाग करूंगी तब वो मिलेगा। बता कहाँ है तेरा कमरा? आइए। और सुनिए, जब तक मैं यहाँ रहूंगी बहू के सिवा इधर कोई नहीं आएगा, मेरे कमरे में कोई मर्द नहीं आता। जी बहुत अच्छा। हरे राम हरे राम, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। मैंने तुम्हें डांटा, रोब जमाना जरूरी था। ये है सीढ़ियां, ये हॉल और ये तुम्हारा कमरा और ये है वो जगह। और इस दीवार के पीछे तुम्हारे बाप का कमरा है ना, बोलती क्यों नहीं? अपने बच्चे की जिंदगी चाहती हो या नहीं? यही है ना वो कमरा। तो ट्रांसमीटर इसी दीवार में होना चाहिए। Thank you.
ट्रांसमीटर में फिक्स करनी है, दीवार में छेद करना पड़ेगा। तुम्हारे पिताजी जब भी बाहर जाए मुझे फौरन खबर कर देना, समझी? इतनी देर कर दी? दुश्मन के आदमी बाजार के कोने कोने में फैल चुके हैं, अब तो भेस बदल कर पहुंचना मुश्किल हो रहा है। मेरे ख्याल में अब हमें अपना हेडक्वार्टर बदल लेना चाहिए। मैं भी यही सोच रही हूँ। अच्छा ये बताओ, जिनब ने सिग्नल दिया, कागजात मिले या नहीं? इसीलिए तो मैंने तुम्हें यहाँ आने का इशारा दिया था। उसने आज सुबह ही सिग्नल दिया है, कागजात मिल चुके हैं और आज रात में उसे मिलने जा रहा हूँ। तुम अब मुझे किसी वक्त शक होता है कहीं जैनब तुम्हें जाल में तो नहीं फंसा रही। ऐसी बात नहीं, वो सचमुच मुझसे मोहब्बत करती है और मुझे यकीन है वो कभी मुझे धोखा नहीं देगी। तो अब मोहब्बत पर भरोसा होने लगा? हाँ, सोच रहा हूँ कि अब ऐसा भी करके देख। तुम यहाँ? एक बहुत बुरी खबर है, इंडियन एम्बेसी से अखबार आया। ये उन्हीं दुश्मनों का काम है। इसका मतलब है ये लोग ब्लैकमेल करना चाहते हैं, इसकी कीमत मांगेंगे। मगर वो हम हिंदुस्तानियों को नहीं जानते जो देश के लिए किसी भी कुर्बानी से मुंह नहीं मोड़ते। इस वक्त हिंदुस्तान में क्या टाइम होगा? 3 hours behind, सुबह के 9:30 होंगे। तुम जल्दी से ट्रांसमीटर निकालो, पिताजी शायद घर पे हो। ओके। मुझे अभी बबलू के बारे में पता चला, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ओवर। मैंने सोचा तुम्हें क्यों डिस्टर्ब करूं। मेरा ख्याल है तुमने वहां दुश्मनों के नाक में दम कर रखा है, इसलिए वो मुझसे यहां सौदा करना चाहते हैं। आप आज ही रात दुश्मन के खुफिया अड्डे पर छापा मारने की तैयारी कीजिए। ओवर। क्या उनका पता मिल गया? बस मिल गया ही समझिए, जैनब ने मुझे सिग्नल दे दिया है और आज रात कागजात भी दे रही है। कागजात मिलते ही मैं दुश्मन के तमाम एड्रेस रात को ब्रॉडकास्ट करूंगा। वेरी गुड, शाबाश। आप सिर्फ इतना ख्याल रखिए कि कहीं इससे पहले दुश्मन बबलू को हिंदुस्तान से बाहर ना ले जाए। ओवर। तुम उसकी फिक्र मत करो। हेलो हेलो हेलो, 00X रिपोर्टिंग। यस, 00X रिपोर्ट। एक जरूरी मैसेज है, कोर्ट पर लीजिए। लिली, पुट ऑन द कोर्ट। यस सर। Oh,
हमको फौरन बैरूट कॉन्टेक्ट करना चाहिए। ले ले टाइगर को मिलाओ, टाइगर को। बाकी सारी इंफॉर्मेशन और वहां का नक्शा इस फिल्म पर प्रिंटेड है। सैनिव, मेरे पास वो अल्फाज नहीं जो मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कर सकूं। सेना, मुझे माफ कर देना। गिरफ्तार हो गया? कैसे? We are sorry, sir. मालूम होता है, दुश्मनों को ज़ैनब का पता चल गया था और वो बेचारी ऐन मौके पर मारी गई। दुश्मन को कैसे खबर हो गई? नहीं, मेरे यहाँ से कोई खबर लीक नहीं होती। इस घर में इस राज को मेरे सिवा और कोई नहीं जानता। जरूर तुम लोगों के पीछे दुश्मनों का आदमी लगा हुआ है। हम चारों तरफ तलाश कर रहे हैं, आपको खबर देते रहेंगे। जैसे भी हो पता करो कि दुश्मन उसे कहाँ ले गए। तलाशी लेगी इसकी? जी हाँ। कोई हथियार तो नहीं इसके पास? नहीं, अब इसे पिंजरे में डाल दो। नीचे गिरा दो। सईद मियां, मैं हीरों का सौदागर हूं, हर कीमती चीज को संभाल कर रखना जानता हूं। शेख, ये हमारा सबसे खतरनाक दुश्मन है। तो फिर उसे दरिया महल में कैद रखने की कीमत भी दुगनी होगी, चौगनी मिलेगी। लेकिन जब तक हमारा इशारा ना हो, उसे जिंदा रखना होगा। सईद मियां, मेरा शेर बहुत दिनों तक इंतजार नहीं कर सकेगा। अब सुनील को ढूंढने में यही मीटर हमारी मदद कर सकता है। हम इसे लेकर जगह जगह घूमेंगे, जहां कहीं भी सुनील होगा ये सुई हमें बता देगी। दुश्मनों ने सुनील को इसी शहर में रखा होगा, इसका क्या पता? उनका कोई भरोसा नहीं, हो सकता है यही बरूद के किसी मकान में छुपा रखा हो या दुनिया के किसी और शहर में ले गए, क्योंकि उनका रिंग दुनिया के कोने कोने में फैला हुआ है। कोई बात नहीं,
हम लेबनान के हर शहर हर गांव में तलाश करेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो दुनिया के दूसरे कोने तक भी जाएंगे। तुझको अल्लाह रखे, तुझको रखे राम, तुझको अल्लाह रखे, दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे, दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे। तुझको रखे राम, तुझको अल्लाह रखे, लेकिन दे दे इंटरनेशनल फकीर को। शेख बरहमन मुल्ला पांडे, सब के एक माटी के भांडे, शेख बरहमन मुल्ला पांडे, सब है एक माटी के भांडे, वेद वही पुराण वही है, राम वही रहमान वही है, किसी का दामन थाम तुझको अल्लाह रखे, किसी का दामन थाम तुझको अल्लाह रखे, ओ दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे, ओ तुझको रखे राम तुझको अल्लाह रखे। छुप गया है तू कठोर, देख तेरे चाहने वाले दर दर भटक रहे हैं, छाले पड़ गए हैं पांव में। पूरब पश्चिम वाले उसके गोरे, उसके काले उसके, पूरब पश्चिम वाले उसके, सब में उसी का नूर समाया, सब में उसी का नूर समाया, कौन है अपना कौन पराया, सबको कर पर नाम तुझको अल्लाह रख, ओ सबको कर पर नाम तुझको अल्लाह रखे, दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे, ओ तुझको रखे राम तुझको अल्लाह रखे। राहन जानू बढ़ते गम की राहन
हर देशन राहन जानू बढ़ते गम की थाहन जानू लोग पराए देश बेगाना सुबह से हो गई शाम तुझको अल्लाह रखे दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे तुझको रखे राम तुझको अल्लाह रखे तुझको रखे राम तुझको अल्लाह रखे जब तुम ही दुश्मनों के हो जाओगे तो इस मासूम की रक्षा कौन करेगा मैं तुम्हारे हर रूप की पूजा करती रही पर ये नहीं जानती थी कि एक दिन तुम्हारा इशारा लेकर दुश्मन हमारा घर तबाह कर देंगे अगर तुम्हें उन पापियों का इशारा देना है तो इससे पहले कि मेरा विश्वास तुम्हारी भक्ति से उठ जाए कम से कम इतना तो करो कि मुझे मौत दे दो अब और नहीं सहा जाता अब और नहीं सहा जाता और नहीं सहा जाता भगवान तुम क्या समझती हो पत्थर का टुकड़ा तुम्हारी मदद कर सकता है हाँ ये चाहे तो सब कुछ हो सकता है जिस तरह आज मैं मजबूर हूँ उसी तरह मेरे सामने तू मजबूर हो सकती है ये चाहे तो इस घर से तू जिंदा वापस ना जाए ताजमहल मेजर साहब आपको एक खुशखबरी सुनानी है हमने सुनील का पता पा लिया है सच कहाँ है वो यहाँ के एक शेख के दरिया महल में कैद है ये शेख जवाहरात का बहुत बड़ा व्यापारी है आज रात मैं एक राजकुमारी बनके उसके महल में जवाहरात खरीदने जा रही हूँ सुनील के रिहा होते ही आपको खबर कर दी जाएगी मैं उस खबर का बेचैनी से इंतजार करूँगा उसके छूटते ही मुझे खबर करना ओके बेस्ट लक हेलो 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 00X रिपोर्टिंग 00X मैसेज दो कोड पर लीजिए ओके ओवर खराब हो गया। Oh, blast you.
नमान खाने में कदम रंजा फरमाएंगे। थोड़ी देर आराम कर लीजिए, इसके बाद मैं आपकी खिदमत में दुनिया भर के नायाब जवाहरात पेश करूंगा। आराम करने से पहले हम आपका दरिया महल देखना पसंद करेंगे। बस अच्छा, हमने इसकी बहुत तारीफ सुन रखी है। जहर किस्मत शाहजहानी साहबा, जहर किस्मत। अब आप तशरीफ ले आइए, तशरीफ ले आइए। तो खाना कहाँ है? मेहमान खाना वहाँ। मैं बहुत ही लड़ खर्जा इतना भी नहीं उठा सकता। अरे बहुत भारी पेट ही है नहीं? हाँ। और ये भी बहुत भारी है क्या? जैसी काफी। हाँ। बोल, शेख ने नए कैदी को कहाँ रखा है? मुझे नहीं मालूम। बता कहाँ रखा है कैदी को? मुझे नहीं मालूम। अच्छा, सीधी उंगली से कभी घी नहीं निकलेगा, उंगली को टेढ़ा ही करना पड़ेगा। ये दाएं तरफ जो बरामदा जाता है उसके आखिरी सिरों पर एक दरवाजा है छोटा सा। आइए, चले आइए। तशरीफ ले चलिए। जहे किस्मत, तशरीफ रखिए। अब अगर इजाजत हो तो जवाहरात पेश करूं। जहे किस्मत। माफ कीजिएगा, बहुत ही कीमती है, हिफाजत लाजमी है। करम कर रही मरहम कर, हाय भला को दूर कर, सकत भला को नरम कर। महमूद? अरे हाँ, लेकिन ये उल्टी बात कैसे हो गई? शेर बाहर है और तुम पिंजरे के अंदर हो। अरे सब लोग पहुंच गए ना? हाँ आ तो गए, लेकिन मैं लटक गया हूँ। सुना था मौत सर पे घूमती है, लेकिन आज मैं मौत के ऊपर घूम रहा हूँ। अरे सुनो। हाँ। लोहा काटने वाली ये गाड़ी लाओ। लोहा काटने वाली लाता हूँ, लेकिन तुम डरना नहीं, हिम्मत से रहना, जैसे मैं हिम्मत से लटका हुआ हूँ। अभी लाता हूँ, लाता हूँ। सुनील भाई, दोबारा आने में तेरा देर लगेगी, सारा इंतजाम करके आऊंगा, तुम डरना नहीं, हिम्मत से रहना। गल 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 कुछ नहीं है।
खुदा गवाह है शहजादी साहबा, इसकी कीमत सुनकर बड़े बड़े शहजादे भाग गए। शेख साहब, आप हमें ऐसी ही चीज दिखाइए कि जिसकी कीमत सुनकर बड़े बड़े शहजादे भाग गए। आपने हमारी राजकुमारी का दिल नहीं देखा। ये खरीदा गया, और दिखाओ। लीजिए, कबूल फरमाइए। दिल भाई पकड़ लो। ये भी खरीदा गया, और दिखा। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। मुलाजा फरमाइए। मुल्के शाम की कोसों कजा, ये भी खरीदा गया, और दिखाओ। शुक्रिया। ये भी खरीदा गया, और दिखाओ। दीवान जी, इनकी कीमत अदा कर दी जाए। अब हम
आराम करना चाहते हैं। असर और चश्म शहजादी साहब। चले जाइए। आप हमें दरिया महल से बाहर ले चलो, अगर तुम्हारे किसी आदमी ने रोकने की कोशिश की तो जिंदा नहीं बच पाओगे। चलो। मेरे हाथों से बच के जाना इतना आसान नहीं है मीनाक्षी देवी। तो तुम ही वो लड़की हो ताजमहल के नाम से पैगाम भेजा करते हो। बहुत दिन तक धोखा दिया तुमने हमें। और मिस्टर सुनील, तुम्हें तो जैनब ने सब कुछ बता दिया होगा कि किस तरह तुम्हारी हर चाल का हमें पता चल जाता है। बोलते क्यों नहीं, बताओ जैनब ने तुम्हें क्या कहा? जवाब दो। यूसुफ, तुम? सईद, मैं यूसुफ नहीं हूं, अच्छी तरह पहचान लो। मैं नदीम हूं, असली नदीम। लेकिन जैनब ने मरने से पहले हिंदुस्तान में दुश्मन के अड्डे का नक्शा मुझे दे दिया था। तो नक्शा है का? वो नक्शा मुझे वहीं छुपाना पड़ा। महमूद वो नक्शा लेकर आ ही रहा होगा। बहुत खूब, मेजर साहब को फौरन खबर कर देनी चाहिए। मैं भी ट्रांसमीटर लाती हूं। नहीं मीनाक्षी, ये गलती अब हम नहीं करेंगे। जैनब ने मुझे बताया दुश्मन की कोई जासूस ठीक हमारे घर में मौजूद है। जो भी खबर हम बाबूजी को भेजते हैं दुश्मन तक पहुंच जाती है। लेकिन अब बाबूजी को ऐसी खबर पहुंचाई जाएगी जिसे सुनकर दुश्मन खुश हो जाए और कुछ अरसे के लिए हमारी तरफ से लापरवाह हो जाए। हिंदुस्तान पहुंचने के लिए हमें 10 घंटे चाहिए। अगर इतने अरसे के लिए भी दुश्मन हमारी तरफ से लापरवाह हो जाए हम हिंदुस्तान पहुंचकर बबलू को बचाने की कोशिश कर सकते हैं। पर ऐसी क्या खबर मेजर साहब को दी जाए? यही तो सोचना है। ओ यस, मीनाक्षी ट्रांसमीटर लाओ। हरी अप प्लीज। ओके। बाबूजी, आप सो जाइए ना। नहीं नहीं आ रही बेटी, बेटे की आवाज सुनने के लिए दिल बेचैन हो रहा है। हेलो हेलो शेर पंजाब। हेलो हेलो शेर पंजाब स्पीकिंग, दिस इज ताजमहल स्पीकिंग। हेलो मीनाक्षी, तुम लोग सुनील को छुड़ा लाए? कहाँ है वो, मुझसे बात कराओ। जी तुम बोलती क्यों नहीं हो? सुनील कहाँ है, मुझसे बात कराओ। जी जी सुनील नहीं है। क्या हुआ, तुम लोग उसे छुड़ाने में कामयाब नहीं हुए? जी हम लोग कामयाब तो हो गए थे, उन्हें दरिया महल से बड़ी दिलेरी से निकाला गया, पर किसी तरह दुश्मन को पता चल गया और वो ऐन मौके पर वहाँ पहुँच गए। क्या सुनील फिर गिरफ्तार हो गया? जी नहीं। फिर हम लोग बड़ी बहादुरी से लड़ते रहे, दुश्मन के सब लोग मारे गए। वेरी गुड। मीनाक्षी सुनील कहीं इस लड़ाई में जख्मी तो नहीं हो गया? जी नहीं, ये बात नहीं। ये बात नहीं तो फिर क्या बात है मीनाक्षी? प्लीज टेल मी मीनाक्षी, प्लीज टेल मी मीनाक्षी, बोलो मुझे क्या बात है मीनाक्षी? जी वो लड़ते हुए अपने वतन पर शहीद हो गए। मेजर साहब, मेजर साहब, मेजर साहब, हेलो। क्या बात है बाबूजी? बाबूजी बताते क्यों नहीं सुनील भैया को क्या हुआ?
मेजर साहब शायद इस सदमे को बर्दाश्त न कर सके। देशभक्तों के दिल लोहे की होते हैं मिस्टर नदीम, वो हर सदमा बर्दाश्त कर लेते। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना है, हमारे मिशन की कामयाबी के लिए सचमुच तुमने बहुत मदद की। थैंक यू वेरी मच। यू आर वेलकम सर। हवाई जहाज जाने में सिर्फ एक घंटा बाकी है, हम लोगों को चलने की तैयारी करनी चाहिए। इकलौता लड़का था वो मर गया, अब मेजर से सौदा किया जा सकता है कि अगर अपने निवासे की जिंदगी चाहिए तो फौरन हमारे रास्ते से हट जा। मुझे सुनील का इतना गम नहीं है जितना दुख इस बात का है कि उसने जैनब से हिंदुस्तान में दुश्मनों के छिपे हुए अड्डों के जो पते हासिल किए थे मरने से पहले किसी को बता न सका। हमें ये सारा काम फिर नए सिरे से शुरू करना होगा। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये क्या पागलपन है जैन हत्यारन, आज मैंने फैसला कर लिया पर मुझे मार कर क्या होगा, तुम्हारा भाई तो मर ही गया, अब अपने बेटे को क्यों मारना चाह रही, मैं तो आज चली जाऊंगी, कल तुम्हारा बेटा तुमको मिल जाएगा। मुझे नहीं चाहिए वो बेटा जिसकी खातिर मेरी माँ की आखिरी निशानी खत्म हो गई, अब वो बेटा मेरे लिए कलंक हो गया है। इसमें सिर्फ दो गोली है, एक तुम्हारे लिए और एक मेरे लिए। निशाना लगा सकता हूं, एक गोली मुझे भी मार दीजिए चाचा, ये सब मेरे कारण हुआ है। मैंने अपने बबलू के खातिर अपने सुनील भैया की हत्या करवा दी, मैं जीने के काबिल नहीं हूँ चाचा, मुझे मार दीजिए, मैं जिंदा नहीं रहना चाहता। होश में आओ सुनंदा, ये रोने का वक्त नहीं है। मुझे तुम बबलू का पता बताओ, तुम वहां का रास्ता जानती हो? नहीं, वो लोग हमेशा मेरी आंखों पे पट्टी बांध दिया करते थे, मगर अब बबलू का वो तो मर गया, आज इसने सिग्नल नहीं दिया, अब तक उन लोगों ने मेरे बबलू को मार दिया होगा। बाबूजी मेरा बबलू खत्म हो गया।
इसकी मौत हमारी शिकस्त है। दुश्मन का पता जानने का ये जरिया भी खत्म हो गया। बाबा हमको आंकड़ा दो, आज मटके में क्या आएगा? नहला नहले पर तहला। बताओ नीचे का रास्ता क्या है? मुझे तो मारते मैं साधु महाराज हूँ, मैं क्या जानू मैं साधु महाराज। मैं नीचे का रास्ता नहीं जानता, मैं तो ऊपर का जानता हूँ। अरे सुनील क्या कुछ गड़बड़ सा लगता है। हम लोग ठीक जगह पहुंच गए, तुम जल्दी बाबूजी के पास जाओ। कैप्टन होशियार। नंबर 5 ने अलार्म दिया है कि मंदिर की तरफ से 2 आदमी आ रहे थे, वो डीसी के अंदर तक पहुंच चुके हैं। तुम्हारी मौत की खबर छूटी थी, मगर अब तुम मौत के सामने खड़े हो। हम बेकार खून नहीं खाना चाहते, बेहतर है कि तुम हथियार फेंक कर अपने आप को हमारे हवाले कर दो। तुम्हें यहां आने का रास्ता जैनब ने बतलाया था। बतलाओ क्या कोई और तुम्हारी मदद के लिए आ रहा है? मैं आदमियों से कहो हथियार फेंक दो। बोलो फेंक दो हथियार फेंक दो। सुनील डॉक्टर को छोड़ दो वरना इसका अंजाम अच्छा ना होगा। अपना अंजाम सोचो, तुम लोगों का खेल अब खत्म हो चुका। खेल अभी खत्म नहीं हुआ, शुरू हुआ है। देखना चाहते हो हम क्या कर सकते हैं? मैं तुम्हें 5 सेकंड देता हूं। 1, 2, 3, 4 दुश्मन को रोके रखता हूं। लेकिन तुम यहीं अकेला छोड़ के? This is my order. Go. Okay, boss. चलो।
10 रिपोर्टिंग सर, हिंदुस्तानी फौज हमारे हेडक्वार्टर की तरफ आ रही है। नंबर 5 रिपोर्टिंग सर, हम चारों तरफ से घिर गए हैं। नो हेलो हेलो, नेशनल हेडक्वार्टर, दिस इज नेपोलियन फ्रॉम ईस्टर्न कमांड कॉलिंग सर। रिपोर्ट, हिंदुस्तानियों ने हमारा अड्डा पूरी तरह घेर लिया है, बचने की कोई उम्मीद नहीं है। हमारे लिए क्या ऑर्डर है सर? नेपोलियन, हिंदुस्तानियों को हमारा कोई राज नहीं मिलना चाहिए। जरूरत पड़े तो हेडक्वार्टर को उड़ा दो। ओके सर, सब खत्म हो गया। साथियों, लड़ाई बंद कर दो। 20 सेकंड में हेडक्वार्टर उड़ा दिया जाएगा। जिंदगी और मौत का सवाल है, जो बचकर भागना चाहता है भाग सकता है। आप सब जानते हैं कि अगर हम बच गए तो हमें कहां मिलना है, और अगर मर गए तो अलविदा। लेकिन साथियों, एक बात का ध्यान जरूर रहे कि हिंदुस्तानियों के हाथों गिरफ्तार हो जाने की बजाय मर जाना बेहतर है। क्या बबलू, बबलू मेरे साथ नहीं चल सकूंगी, तो भाग जा। मैं आपको अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं आपको पट्टी बांध लूंगा। अभी तो बहुत सी बातें करनी है, बहुत से राज जानने। मीनाक्षी और बबलू दोनों अंदर है। पकड़ ले चलो।
मीनाक्षी अंदर है, उसे निकालो। मीनाक्षी, मीनाक्षी। बॉस, मैंने तुम्हारा ऑर्डर पूरा कर दिया। मीनाक्षी बॉस, अगर रोमांस का चांस हो तो ये खड्डा फिर से बंद कर दूं। सुनील, सुनील तुम्हें याद है, मिलती है पास आने की मोहलत कभी कभी। मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, होती है दिलबरों की इनायत कभी कभी, होती है दिलबरों की इनायत कभी कभी।